कितने साल हो गए आपको? मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा, करोड़ी बोल जाएगी ये। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मालकेतु पर्वत से निकलने वाली सात धाराओं में से एक टपकेश्वर धाम के बारे में, जो साकंभरी माता मंदिर से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर कालाखेत गांव के पास स्थित है। दोस्तों, मालकेतु पर्वत पर स्थित यह धाम सड़क से लगभग 500 मीटर की दूरी पर 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। टपकेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए आप अपना वाहन मंदिर तक भी ले जा सकते हैं, या वाहन को सड़क के पास खड़ा करके पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ सबसे पहले वट वृक्ष के दर्शन होते हैं, जिसको देखने से ही प्रतीत होता है कि यह हजारों साल पुराना वट वृक्ष है, जो सारे मंदिर परिसर के ऊपर फैला हुआ है। राम राम महाराज जी। राम राम जी। अच्छा, ये धर्मशाला इधर है ना? यहाँ कई धर्मशालाएं और कमरे भी बने हुए हैं, जिसमें लोहारगल की 24 कोसीय परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु रात्रि विश्राम करते हैं। टपकेश्वर धाम में कात्यायनी देवी का मंदिर भी बना हुआ है। टपकेश्वर धाम में एक पीपल के वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग विराजमान है, और उसी के बगल में प्राकृतिक पानी का कुंड है, जो वर्ष भर पानी से लबालब भरा रहता है। यहाँ स्थित शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह पारस पीपल की जड़ों में स्थित है, जिसकी स्थापना हजारों साल पहले पांडवों ने की थी। यहाँ स्थित महात्मा ने बताया कि इस कुंड के पानी का लगातार कई महीनों तक सेवन करने से कई प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। यहाँ से चारों तरफ का बहुत ही खूबसूरत और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ पर स्थित वट वृक्ष सैकड़ों लंगूरों और पक्षियों का आश्रय स्थल भी है, जहाँ पर सारे दिन लंगूर और पक्षी उछल कूद करते रहते हैं। ये यहाँ पर दोस्तों महाराज जी की ध्यान कुटिया है। यहाँ पर महाराज जी का धुना भी बना हुआ है, जहाँ पर महाराज जी बैठकर तपस्या करते हैं। तो दोस्तों, अब महाराज जी से टपकेश्वर धाम के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। बंदर आ रहा अंदर, बंद कर दो एक बार इसको। रहते हो कितने साल हो गए आपको? मेरे को 20 साल हो गए। अच्छा, ये चैत महीना होगा ना? हाँ हाँ।
अप्रैल 19 अप्रैल मार्च अप्रैल 19 अप्रैल में जो 20 साल हो जाएंगे। अच्छा 20 साल 19 अप्रैल आएगा जी। तो महाराज जी नाम क्या आपका? नारायण दास। नारायण दास। तो महाराज जी इस स्थान की मतलब क्या मान्यता है? इस स्थान की मान्यता क्या है? मान्यता हाँ, कितना साल पुराना है, क्या मान्यता है? अभी तो 24 कोश की परिक्रमा है, 7 धारा है। अच्छा। 24 कोश की परिक्रमा में पहले गोलवाग है। हाँ हाँ। फिर करोड़ी। हाँ। फिर शाकंभरी। अच्छा। और फिर चौथा है ये नाकुंड, नाकुंड एक, और ये पांचवा है ये टपकेश्वर महादेव। टपकेश्वर धाम। और यहाँ पानी निकलता है 2000 फुट के ऊपर, सबसे ऊंचा है ये 2000 फुट के। अच्छा, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ? पानी की कोई कमी नहीं है। गर्मी के दिनों में भी 4000 लीटर पानी की आओगे बरसात में बाहर निकलता है, और अभी भी निकाल देते हैं मोटर चला करके नीचे जानवरों के लिए। अच्छा। सुबह निकाल देते हैं, शाम की फिर भर आता है, बाहर निकलने लग जाता है। अच्छा, उतना ही आ जाता है दोबारा? हाँ, उतना ही हो जाता है। सुबह काटो शाम की, शाम की काटो सुबह, अभी सुबह काटो शाम की फिर भर जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब लगभग कितने साल पुराना स्थान है ये? हाँ, अब इसका तो इतिहास है ना हमारे पास। अच्छा, मतलब ये जब से परिक्रमा चालू हुई जब से है, पहले से ही होगा ये तो। हाँ, मतलब 3-4 हजार साल पहले का। हाँ, 4-5 हजार पहले महाभारत काल में पांडवों के टाइम की कोई तपस्या करी हुई है, बता दो यहाँ। अब तो इतिहास मालूम है नहीं। अच्छा, और मेरा तो जन्म भूमि है श्री माधोपुर तहसील। अच्छा, श्री माधोपुर। श्री माधोपुर तहसील में जोरावर नगर। कौन सा? जोरावर नगर है। अच्छा, जोरावर नगर। हाँ, राजपूत दूर से है। राजपूत। हाँ, नारायण दास नाम है। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपको। यह मालकेतु पर्वत से निकलने वाली 7 धाराओं में 5वीं धारा है। यहाँ लोहारकल की 24 कोसी परिक्रमा के दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन और स्नान करने के लिए आते हैं। वर्षा ऋतु में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होता है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। राम राम दाऊ जी। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, बकरी चरा रहे हो? हाँ, बकरी चरा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, जा ऊपर नहीं लेके जाते क्या इनको? मैं जाएंगे हे बड़े, अब जी जा घर फूस फास का लगा। हाँ हाँ हाँ, जाएंगे ना। ये बात है, अच्छे डोज रोड टूट जाए। हाँ सही है, वो घर पेट भर जाता है फिर इनका। सही है। बटे क्यों किरोड़ी बोल जाएगी? एक में ठंडो एक में तातो, कौन भी ना लो जाए तातो एक। किरोड़ी में ठंडो और एक में गरम। हाँ। और पास पास में दोनों कुंड है। मेरा किरोड़ी तो एक नजीक है, कन्नो के नहीं बराबर है। अरे भाई सारे तारे काला कुआ तो 1.5 किलोमीटर पर जाए, 2 किलोमीटर हो लगे किरोड़ी। किरोड़ी ना ज्यादा तारे सारे पद्म कुंड थे। हां हां, पद्म कुंड छापोली कन छापोली छापोली बड़े पानी निकला है। बढ़िया मूर्तियां भी नहीं मिली। नहीं नहीं, बड़ी मूर्तियां वही को शंकर भगवान की, आ बजरंग की, आ माता की, आ फलान की। अच्छा, मूर्तियां घनी बनी, लेकिन कोई संत को नहीं हुआ उसका अटे भाई। संत की वो कह दियो पत्थर फूट जाए तो फूटियो, संत का कोई बचन ना कोई खतरे को नहीं।